बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको वो लोग जो सबक भूल जाते हैं और इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए एक पर्चा जो है हल करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए एक मैं वजीफा बताती हूँ। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए पर्चा सबसे पहले आप हल करेंगे, सिर्फ कुरान की आयत मुबारक से आप ये पर्चा हल कर लेंगे। और नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ कि वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो अपने इम्तिहान की वजह से परेशान रहते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और जब पर्चा देने जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, जो आता होता है वो भी भूल जाते हैं। तो आज का ये वजीफा इन तलबा के लिए है जो बगैर किसी परेशानी के अपना पेपर ऐसे हल कर लेंगे जैसे इनके जहन में कोई डर खौफ ही ना हो। अगर वो ये वजीफा कर लें तो इंशाल्लाह वो सबसे पहले अपना पेपर करके उठेंगे। सबसे अहम बात यह है कि पाक साफ और बावजू होकर कमरा इम्तिहान में बैठें और एक बार सुरे कलम पढ़कर स्याही पर दम कर लें और फिर वही स्याही कलम में भर लें। जिस पेन या कलम से आप पर्चा हल करने लगे हैं, इस पर भी एक दफा सुरे कलम पढ़कर फूंक मार दें। आप ये अमल घर बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे तलबा होते हैं जिन्हें ये सूरत नहीं आती, लिहाजा वो घर से ही अमल करें और आप बगैर किसी परेशानी और घबराहट के पर्चा हल कर लेंगे और आपका कलम ऐसे दौड़ेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। एक दफा आजमा लें। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियोस को भी आप दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ।